ये डमरू भी है। महाकाल उज्जैन में हम लोग हैं, आज इनका उपवास है तो हम लोग पिंड लगेगा और महादेव लगेंगे। जय श्री। तो गाइस उठा के दर्शन करने के लिए ध्यान में बैठे हैं गाइस, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं काफी जा ये देखो उधर चल गाइस देखो सामने गणेश भगवान की मूर्ति है जिसमें अभी हर हर महादेव। हाँ मेरे को आप लोग दिख भी लग गए। तो गाइस देख सकते हो महाकाल उज्जैन में हम लोग हैं और काफी ज्यादा भीड़ है। देखो लोग अभी लगाए हैं और जस्ट अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, होटल से निकल लिए हैं अब, तो वो चाय की शॉप है वहाँ टोकन लेके चाय पीएंगे फिर देखो। तो टेम्पल दिख रहे गाइस, तो अभी माहौल काफ़ी अच्छा हो चुका है, मैं चाय ले ली हूँ होटल से निकल के और जस्ट दीदी है ना, आज इनका उपवास है तो हम लोग भी मस्त महाकाल का बन के वो चलेंगे उस तरफ देख सकते हो। चलो गाइस हम लोग अंदर की तरफ मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है दिख रहा होगा सारे बैकग्राउंड में और उधर दीदी थी प्रसाद लेते हुए है ना। ये देखो अभी उस तरफ दीदी को देखो सामने और अभी हम लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रश देखो आज सोमवार है ना, तू आ गए भाई टेंशन मत ले। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं मैं और भी उस तरफ की तरफ और इधर काफ़ी ज़्यादा रश है देख सकते हो, काफ़ी भीड़ भी है ना। तो गाइस अभी मैं टी शर्ट पहन ली उज्जैन महाकाल का होटल में थोड़ गया ना, अभी मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही है जल्दी जल्दी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो उधर चल के देखते हैं। देखो तो भीड़ इधर भैया खड़े मास्क पोज में, तो ये दीदी बनवा रही अभी YouTube पे मेरा चैनल भी कर देना जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल का चैनल देवी को भोले लगे नंदी लगे पिंड लगेगा और महादेव लगेंगे। जय श्री चलो लगाओ चंदन लग चुका है देख सकते हो, अभी भैया की बारी है, भैया आओ ना भैया बुलाओ ना जल्दी, अभी पूरा लग गया है। देखो अभी काफ़ी भक्त लोग अपने महाकाल से दर्शन करने आए हैं, देखो भीड़ देख सकते हो और उधर मंदिर है जो अंदर जाएंगे अभी दर्शन करने के लिए, इधर भैया खड़े हैं। तो गाइस हमारी सफ़र की शुरुआत एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, पर मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया, फिर भी मूड थोड़ा ठीक करके वो कर रही हूँ। और गाइस हाँ अगर आप आ रहे हो दर्शन करने के लिए तो भीड़ है और इधर छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं दुकानों के, सारे भगवान के सामान बेच रहे हैं, फूल माले प्रसाद वगैरह सारे। और मैं और भैया अभी आगे जा रहे हैं पूरा दीदी इस तरफ है गाइस, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है आज सोमवार है ऑलमोस्ट और भीड़ है और दीदी आज उपवास रखती है देख सकते हो। और अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, चप्पल हम लोग आ चुके हैं इधर से है मंदिर का एग्जिट और आपको उधर आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पूजा हो रहा होगा है ना। और भैया आगे की तरफ चले गए, ये हमारा बेचारा और देख रहा था कि कोई खून मत दे। गाइस काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है
है ना, पहली बार मैं आ रही हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, वैसे भी आगे आते रहूँगी ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं, अंदर तरफ चल के देखते हैं। और गाइस मैं ना आगे का सफ़र का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि जो सिचुएशन था ना बहुत गंदा था, कैसा था क्या नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि अंदर ब्लॉग शूट करने बनेगा कि नहीं। जो भी बन सकता है मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोग को महाकाल के दर्शन करवाऊँ शिव जी की पूरी अच्छे तरीके से। तो चलो अभी अंदर चल के देखते। तो गाइस देखो हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं अभी इस तरफ से, और इधर कुछ गार्डन वगैरह बना हुआ है बच्चों के लिए, और ये हो रहा है इधर। किधर है दर्शन का पता ही नहीं है, इधर मंदिर है। दीदी कैसे करें यार, गाइस हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कहाँ पर से कहाँ जाना है और किस तरफ दर्शन करने मिलेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। देख सकते हो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है मेरे पीछे, तो चल के देखते हैं, पूछते हैं किसी से कुछ। फर्स्ट टाइम आ गया मुंह उठा के दर्शन करने के लिए, तो चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं क्या। तो गाइस अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखो काफ़ी खूबसूरत है, मेरी पहली बार देख रही हूँ और सर देखो है ना। तो अभी ये लाइन है अंदर की तरफ दर्शन करने जाने के लिए, तो देखते हैं कैसा क्या है। देख सकते हो काफ़ी अच्छी मूर्ति वगैरह है, काफ़ी अच्छा टेंपल का इंटीरियर है गाइस। अभी आगे जा रहे हैं, तो गाइस अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चलो फास्ट। गाइस हम लोग मंदिर से काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए, काफ़ी मज़ा आया, एकदम सामने आमने सामने देखी, मेरा फर्स्ट टाइम था, मज़ा आया एकदम, फूल बम आ गया, हर हर महादेव जो। तो गाइस अभी हम लोग अपना कैमरा लेने जा रहे हैं, अलाउड नहीं था अंदर भी बिल्कुल नहीं था, तो अभी उस तरफ चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मेरा ग्रुप वो मिलेगा कि नहीं देखते हैं। गाइस माहौल तो देखो काफ़ी अच्छा माहौल है, देख सकते हो पूरा है ना। आओ ना भैया है ना, मोटर हम लोग जा रहे हैं पूरा मस्त इधर देखो। दीदी आओ इधर आओ, आ जाओ गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ है क्या बताऊँ मैं आपको। फिर भी हम लोग जैसे तैसे देख सकते हैं, मैं और रहे हैं, मेरा फ्रंट का कैमरा ख़राब है गाइस, इसलिए बैक तो बना रही हूँ, पर हाँ वो कभी कभी बहुत अच्छा दे देता है। अभी आगे चल रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या आता है। तो ज़्यादा वो है, अरे भैया दीदी आ रहे गाइस। देखो ये फाउंटेन एरिया टाइप है कुछ, तो चल के देखते हैं अंदर कैसा क्या है ना। ये देखो पूरा, और इधर थोड़ा छाँव के लिए, दीदी उधर गई है, अरे नहीं फाउंटेन एरिया नहीं है गाइस। अभी मजे ले रहे हैं देखो।
गांधी जी। तो गाइस हमारी फोटो शूट हो चुकी है और मैं ले ली हूँ और अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कैसा होता है और काफ़ी भीड़ है यहाँ सामान है, तो आगे चलते हैं। गाइस देखो तो सही, काफ़ी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस मैं अपना कैमरा ले ली हूँ ग्रुप को। हाँ दीदी, हाँ मेरे को आप लोग दिख भी लग गए, आ रही हूँ ना मैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो गाइस मैंने अपना कैमरा जमा करवा दी थी, अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीक था तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई और मेरे को नॉलेज भी नहीं था, फर्स्ट टाइम था। तो है देखो दीदी लोग मिल चुके हैं और बाकी फ्रेंड्स अलग अलग मिल गए। हाँ वही तो गाइस उधर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था और अभी हम लोग कहीं और चलते हैं तो आप लोग से मिलते हैं। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं गाइस, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कौन कौन कहाँ से आए थे महाकाल का दर्शन करने उज्जैन, तो जरूर बताना। मेरा फर्स्ट ट्रिप था और आगे जर्नी और भी रहेगी, तो मिलते हैं आप लोग से, अभी पहले बाहर निकलते हैं। तो गाइस आपको मैं यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ, जितना व्यू मैं कैप्चर कर पाती हूँ करती हूँ तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। जो लोग आप लोग नहीं आए हो तो उनके लिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस देखो नज़ारा कुछ इस टाइप से, काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया गया है, मार्बल से है और कोटेड है कुछ, तो इस टाइप से है गाइस देखो व्यू है ना। और सामने वो मंदिर है, उसके तरफ एक और मंदिर है, ठीक है। तो देख सकते हो आगे काफ़ी अच्छा है। दीदी इधर इधर से चलते हैं। और ये दीदी अभी बैठूंगी बोल रही है, थक गए। हाँ गाइस हम लोग थक तो गए हैं, मैं और दी और भैया भी थक गए हैं, काफ़ी पैर दुख रहा है उनका, तो रुकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, पर एक बात बताऊँ, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा, जिसको मैं शायद ही विज़िट कर पाऊँगी कुछ, जो 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 है गाइस मैं जिधर जा रही हूँ उधर विज़िट हो जाती है तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। बाकी पीछे भी है देख सकते हो, ये पूरा इस टाइप से है बैकग्राउंड, देखो गाइस पूरा काफ़ी बड़ा है और देखो पूरा। अभी हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, देख सकते हो सारी चीज़ों को लेकर, तो उधर भी है पूरा मूर्ति उर्ति बने गाइस, बजरंग बली के, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा के और सारे पूरे भगवानों के बने, देखते हैं पूरा। तो अभी आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं गाइस है ना, नहीं तो वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो गाइस अभी और रिटर्न में इनका दर्शन करेंगे गाइस है ना, सामने जो दिख रहा है आपको, और पहले उधर से दर्शन करके आते हैं। काफ़ी बड़ा है गाइस, आप देख सकते हो मूर्तियाँ, इधर लोग फ़ोटो शूट वगैरह खींचे। हाँ गाइस हाँ मैं क्या बोल रही थी, मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो गाइस मुझे उसके लिए पहले से सॉरी, और आप लोग ज़रूर बताना जो भी कमेंट में, मेरे को थोड़ा नॉलेज मिलेगा और कहाँ जाना चाहिए था और कौन सी ट्रिप करनी थी, यहाँ पर कितने लोकेशन है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं दीदी लोग के टाइम फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, उधर भी कुछ अच्छा सा है, चलो चलते हैं। तो गाइस देखो सामने काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाँ देख सकते हो गाइस। मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, जो मैं अनुभव कर रही हूँ आप लोग भी अगर होते तो काफ़ी अच्छा लगता, मतलब देखो फ़ोन में और मोबाइल में देखना तो खैर नॉर्मल है, ब्लॉग वगैरह देखना नॉर्मल है, पर यहाँ का जो व्यू है ना खुद से देखोगे तो वो अलग ही नज़ारा है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे गूज़बम्प आ चुके थे जब मैं नज़ारा देखोगे, इसे देखो मेरे सामने पीछे पूरे देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है ना पूरा गाइस। ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कौन किधर से आ रहा है, कौन सा एग्जिट है, किधर क्या जाना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जिधर से लोग जा रहे आ रहे वहीं से जा रहे हैं। और देख सकते हो सामने भी काफ़ी अच्छा व्यू है, अब व्यू बोलते हो सॉरी गाइस, देख सकते हो सामने माता पार्वती और शिव जी बैठे हैं है ना पार्वती के साथ पूरा, और इधर का नज़ारा तो देखो गाइस काफ़ी मज़ेदार है ना, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। सामने का शिव जी खड़े हैं, शिव जी बैठे हैं
और कृष्ण भगवान है, देख सकते हो पूरा। गाइस मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, और धूप तो नहीं है बिल्कुल भी, उमस बहुत ज़्यादा है ना, तो चेहरे में चुभ रही और आइस में भी, तो कुछ दिख भी नहीं रहा। और सनग्लासेस मैं अपने रूम में ही बुलाई गई, क्या बताऊँ। बोलते ना जब शुरुआत अच्छे मूड से ना हो तो मूड भी पूरा ख़राब हो जाती है, तो ऐसे ही हो रहा है हम लोग के साथ। देखो सामने नज़ारे कुछ इस टाइप से पूरा है ना, ये देखो पूरा नज़ारे काफ़ी बड़ा है गाइस, देखो काफ़ी बड़ा है, उधर भी है, अभी उधर देखते हैं पूरा। अब भैया और दीदी थक गए तो बैठ रहे हैं, तो हम भी बैठते हैं गाइस, पर बहुत मज़ा आ रहा है ऑलमोस्ट धूप के साथ साथ। तो गाइस देखो सामने ये यमराज जी और ये शिव जी है, क्या था क्या बोले दी, हाँ हाँ। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी भीड़ी ये भीड़ है और काफ़ी बड़ा है बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये, तो वहाँ जाएंगे देख सकते हो पूरा सारे हाँ। तो गाइस इधर का भी नज़ारा कुछ इस तरीके से है, उधर फाउंटेन वगैरह हो रहा है, शिव जी बैठे हैं, और ये देखो तालाब है काफ़ी बड़ा, उधर आगे चल रहे हैं, और इस तरफ से देखो पूरा मंदिर और पूरा व्यू दिख रहा है गाइस, काफ़ी बड़ा है, आगे चल के आ रहे हैं अभी ए भैया। तो गाइस देखो मेरे सामने इस तरीके से कुछ नज़ारा है, काफ़ी बड़ा है ना, ये मंदिर है शिव जी की, और ये देखो पूरा काफ़ी बड़ा है, वैसे आप देख सकते हो पूरे हर जगह पे हर भगवान है गाइस, हर जगह पे हर भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, शिव जी है, शिव जी के पूरे हर अवतार है, और उधर भी है देख सकते हो पूरा काफ़ी अच्छा है, उधर फाउंटेन एरिया है गाइस, उधर भी चलेंगे और इस तरफ भी चलेंगे, और दीदी और भैया आगे की तरफ चल रहे हैं, तो हम लोग इधर चलते हैं, चलो चलते हैं। तो सामने है ना पूरा, सामने राम भगवान की मूर्ति शिव जी के, तो गाइस देखो सामने गणेश भगवान की मूर्ति है जिसमें अभी पेंट हो रहा है देख सकते हो, और इधर ये कौन सा भगवान, तो गाइस सामने देखो शिव जी है, गाइस इधर भी है कृष्ण भगवान की मूर्ति है सामने, पर देख सकते हो अभी ये ओपन नहीं हुआ है, उधर भी है उस तरफ काफ़ी बड़ा है गाइस, देखो ना पूरा, ये देखो उधर चलते हैं अभी उस तरफ देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फाउंटेन एरिया में जहाँ शिव जी सामने बैठे हुए हैं, तो अभी देखते हैं नज़ारे कैसे हैं, ओह काफ़ी अच्छा नज़ारा है गाइस देख सकते हो सामने से, और उधर रोड जा रही है ना, ये देखो कचा वाओ यार, देखो गाइस नज़ारे काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे देख सकते हो, तो गाइस देखो सामने महाकाल का हुआ है पूरा, सब चित्रकारी हुआ है गाइस देख सकते हो पूरा, देखो पूरा तो गाइस देखो मार्बल से काफी अच्छा इंटीरियर किया गया है पूरा देख सकते हो, काफी अच्छा डिजाइन किया गया है गाइस, पूरे हर एक चीज को कलर वो है ना पूरा, अभी आगे चलते हैं देखते हैं गाइस, काफ़ी धूप है और मैं सुबह से और कल रात से कुछ नहीं खाई हूँ, ओनली फॉर एक कप चाय पीने के सिवा, और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस, कमेंट करके बताना ये टी शर्ट में कैसे लग रही हूँ, और अभी मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं की हूँ घर के लिए, तो अभी देखते हैं
सब्सक्राइबर मिल गए। हाँ उम्र 22 साल। तो गाइस देखो सामने माता सरस्वती, लक्ष्मी भगवान और दीदी वाली भगवान कौन सी है। तो गाइस अभी हम लोग कुछ कुछ भगवानों का दर्शन किए। इधर काफी सारी मूर्तियां हैं, अलग अलग है। गाइस हम लोग फाइनली शिवजी की महाकाल के दर्शन कर चुके हैं फाइनली। और इधर भी आए थे, कुछ कुछ अलग अलग शिवजी के मूर्तियां हैं अलग अलग अवतार में, उनके भी दर्शन ले लिए हैं हम लोग। तो अभी हम लोग गाइस इधर से जा रहे हैं आगे की तरफ, है ना। काफ़ी मज़ा आया। और मैं कुछ बोलना चाहती थी गाइस, मैं भूल गई। काफ़ी ज़्यादा उमस है यार, और अभी तक हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, अभी आगे ही बढ़ रहे हैं। और गाइस अभी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो अभी तक बनी नहीं है, जो बन रही है अभी, तैयार होगी मतलब कुछ टाइम बाद तैयार होगी। अभी कुछ भी मतलब आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है, तो पूरा भी हो जाएगा। तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो मैं आपको बताते हूँ। गाइस गाइस देखो उधर भी है बजरंगबली भगवान। अच्छा अरे ये भी है दीदी, क्या बात है। देखो गाइस जो लोग नहीं चल पा रहे हैं गाइस, उनके लिए गाड़ी भी है, आप बुक करके जा सकते हो, है ना, महिला और पुरुष के लिए, बुजुर्ग के लिए, तो उन लोग के लिए भी है जो लोग नहीं चल पा रहे हैं। ये एज हो चुके हैं और देख सकते हो सामने पंचमुखी भगवान का। हाँ चलो ना देखो, बोलो जय बजरंगबली। तो गाइस देखो शिव जी वहाँ बैठे हिमालय के पर्वत में और साधना कर रहे हैं। और सामने फाउंटेन है ना, जो शाम को अभी स्टार्ट होगा, अभी नहीं हुआ है। तो देख सकते हो गाइस मैं सामने देख रही हूँ शिव जी मस्त अपने रौद्र रूप में बैठे, ध्यान में बैठे हैं सारी चीज़ें। तो गाइस अभी बाहर एग्जिट करने के टाइम में एक मंदिर दिखी, अभी यहाँ चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। कैसा क्या है दिखाती हूँ मैं आपको अंदर से। यहाँ फोटो और वीडियो बनाना है कि नहीं नहीं पता, पर चल के देखते हैं। बहुत मना कर दिए लोग मेरे को बहुत ज़्यादा। देखो जहाँ जहाँ बैठे हैं शिव जी, है ना, पूरा गजब मेहनत चलते हैं। तो गाइस काफ़ी हम लोग पसीना पसीना हो गया, अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं भारत माता मंदिर के पास, है ना। और अभी अंदर चल के देखेंगे, मेरे जस्ट पीछे मंदिर है देख सकते हो। अभी रेस्ट कर रहे हैं, भैया का वेट कर रहे हैं, भैया आते हैं तो फिर अंदर दर्शन करने के लिए चलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो सामने भारत माता है, हमारे साथ भारत माता की जय। तो देख सकते हो सामने मंदिर है हमारी, ये भारत माता की जय, बोलो ना यार इतना धीरे बोल के सुनाई भी नहीं देगा। भारत माता की जय। देखो मंदिर यहाँ फोटो वीडियो अलाउड नहीं रहता है यार। गाइस अभी देख सकते हो हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं कुछ कुछ भगवान घर के लिए, है ना, मूर्तियाँ वगैरह देखना है। तो गाइस देखो दीदी इतना सारे कड़े ले लिए, बहुत सारे, अभी और भी देख रही दीदी, समझ नहीं आ रहा, भीड़ तो देखो काफ़ी है, यही टाइम हो चुका है, बहुत बड़े नहीं है। तो गाइस फाइनली हम लोग शॉपिंग कर लिए, महाकाल की फोटो ले ली है घर के लिए, और मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा है, ये वाली शॉप में लिए हैं, है ना, काफ़ी सारा प्रिंट है, डमरू है साइज वाइज में, और डमरू भी सोच रही हूँ मैं लूँ, बाहर देखते हैं डमरू 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 डमरू, ये डमरू भी है। फाइनली भगवान की फोटो ले लिए, जितना समझ आया, घर वाले जितना बोले उतने उठा लिए। अभी अब हम लोग अपने होटल की तरफ चल रहे हैं, चाय वाय पियेंगे, खाना वाना खाएंगे दबा के, फिर और कहीं जाएंगे, वहाँ के लिए मैं मिलती हूँ। और या बहुत ज़्यादा और यहाँ से आपको गाइस बम बम बोले जय शंभू।
तो गाइस हम लोग पूरा दर्शन करके आ गए हैं यहाँ, चप्पल और प्रसाद लिए और चप्पल रखे। अब वहाँ से हम लोग यहाँ से लेके अपने होटल जाएंगे, बगल में ही होटल है वो दिख रहा है जो, और अभी फोटो वोटो भी ले लिए। तो अभी आगे चलते हैं, खाना वाना खाएंगे फिर उधर जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए, मतलब रूम आ गए हम लोग। इतना ज्यादा भीड़ था, रश था, और आज पूरा मार्केट भीड़ थी, बहुत ज्यादा रश था। और अभी भोले बाबा का शिव जी का रथ यात्रा लिखेगा, भीड़ नहीं लिखा है पूरा वो।